फिरोजाबाद में धूमधाम से निकली महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा। राधा कृष्ण मंदिर से इसका शुभारंभ हुआ। महर्षि वाल्मीकि की जयंती जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता, उनकी हर वाद के वासी इस वर्ष भी 5 तारीख दिन पूर्णिमा के दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जाती है। उनकी हर वाद के वासी इस वर्ष भी 5 तारीख दिन पूर्णिमा के दिन भगवान महर्षि वाल्मीकि शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो उसे निकाला गया है राधा कृष्ण मंदिर से लेकर के और सेंटर चौराहे होते हुए और आपके गांधी पार्क चौराहे होते हुए नगर निगम में जाकर के एक सभा के रूप में समापन होगा, जिसमें हमें पुलिस प्रशासन का भरपूर, उनकी हम जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, पुलिस प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिला है। शहर में शोभा यात्रा निकाली और जगह जगह गोष्ठी, हवन, पूजन तथा प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में दर्जन भर झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। महर्षि वाल्मीकि का डोला सबसे आकर्षक रहा। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का आज जो शोभा यात्रा निकाली गई है, इसमें हम लोग एक ही पूरे शहर में और समाज में हम लोग देना चाहते हैं कि जो भगवान वाल्मीकि जी थे, उन्होंने एक साधारण राजा राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्जा दिलाया था और 10,000 वर्ष पहले राम की सारी जीवन लीला उन्होंने लिख दी थी कि एक अयोध्या में राम नाम का ऐसे राजा होंगे जिनके साथ ऐसी ऐसी आप बीतियां होंगी। और आज का हमारा संदेश ये है कि पूरे शहर में और हमारी समाज में ये संदेश जाए कि भगवान वाल्मीकि जी को पूजा जाए, भगवान वाल्मीकि जी का आराधना करी जाए। सब प्रथम जो दलितों के लेखक हुए थे ओम प्रकाश जी, हमने आज उनका मार्गदर्शन कराया पूरे शहर को और हमने एक संदेश दिया है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी जो जिन्होंने 10,000 वर्ष पहले रामायण लिखी थी, आज उन्हीं के वंशज, जो कि लोग आरोप लगाते हैं कि वाल्मीकि समाज अशिक्षित समाज रहता है, तो हमने ये दर्शाया है कि अशिक्षित समाज नहीं है, दलितों के सबसे बड़े लेखक, सबसे पहले लेखक ओम प्रकाश जी के हमने यहाँ दिए। और हमने जब देश के पहले स्वतंत्र सेनानी जो थे माता दीन वाल्मीकि जी, हमने उनका भी चित्र लगाया। हमने ये संदेश दिया है कि वाल्मीकि समाज शुरू से इस देश का शासक रहा है। 24 Hours Today News को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।